योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या हटाए जाएंगे, इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हैं, खूब सुर्खियां हैं और सब कयासों के बादल में अपनी अपनी खाक छान रहे हैं। लेकिन दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और इस बैठकों के दौर में जब उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो बताया गया कि उन्होंने लोकसभा चुनाव नतीजों पर एक इंटरनल रिपोर्ट सौंपी है। आज तक से जुड़े हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक, जो उनके सूत्रों ने उन्हें बताया, उन्होंने 15 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सीएम खुद और ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री समेत यूपी के दूसरे सीनियर नेताओं को दिल्ली बुलाकर उस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। आज तक के हिमांशु मिश्रा के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद यूपी की 80 सीटों पर पार्टी के 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत और फीडबैक लिया गया और इसी आधार पर 15 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया है और जो लिखा गया उसके मतलब मायने क्या है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, किसी को हटाना है या किसी को बनाना है, चर्चा इसी पर है। इंटरनल रिपोर्ट को यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को और गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें सौंप दी है। साथ ही सीनियर नेताओं ने इस पर गहन चर्चा भी की है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की को यूपी में भारी नुकसान झेलना पड़ा, या कहिए कि उत्तर प्रदेश के नतीजों ने, अकेले उत्तर प्रदेश के नतीजों ने बीजेपी को बहुमत से दूर कर दिया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 सीटें जीती, जबकि 2019 में उसे मात्र 5 सीटें मिली थी। बीजेपी 62 सीटों से घटकर 33 पर आ गई। रिपोर्ट में जो अहम बातें सामने आई वो कुछ इस तरीके से है जो हिमांशु मिश्रा के सूत्रों ने उन्हें बताया। राज्य के सभी 6 क्षेत्रों पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्र में पार्टी के वोट शेयर में कम से कम 8% की गिरावट आई है। पश्चिम और काशी क्षेत्र में पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया, यहाँ 28 में से सिर्फ 8 सीटें मिली है। नक्शा उठा करके देखेंगे अगर काशी क्षेत्र का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्जिन खुद कम हुआ, उनके बगल में अनुप्रिया पटेल जैसे तैसे जीती, उनके बगल में भदोही की सीट कम अंतर से आई और फूलपुर की सीट तो जैसे तैसे ही आई। और उसके बाद उसके आसपास आप देखेंगे तो बीजेपी का जो भगवा निशान उत्तर प्रदेश के नक्शे में दिखता था वो गायब हो चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन ने ज़्यादातर सीटें उस इलाके में जीती है। ब्रज में 13 में से 8 सीटें बीजेपी को मिली, यहाँ बीजेपी का कमोबेश अच्छा प्रदर्शन है। गोरखपुर में पार्टी को 13 में से सिर्फ 6 सीटें मिली, जो गोरखपुर का क्षेत्र बीजेपी ने बांट रखा है अपने हिसाब से। अवध में 16 में से सिर्फ 7 सीटें मिली। कानपुर बुंदेलखंड में बीजेपी अपना मौजूदा सीट, जो उनका रिकॉर्ड था, उसको दोहरा नहीं पाई। इस क्षेत्र से बीजेपी को 10 में से सिर्फ 4 सीटें मिली। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यूपी में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन क्यों किया, क्या वजह रही। तो इस रिपोर्ट में हिमांशु मिश्रा के सूत्रों के मुताबिक जो रिपोर्ट आई उसमें ये हार की वजह बताई गई। क्या है वजह? वजह के तौर पे बताया गया पेपर लीक, सरकारी नौकरियों के लिए संविदा कर्मियों की नियुक्ति और उसमें आरक्षण का मसला, उसमें जाति बिरादरी का खेल, राज्य प्रशासन की कथित मनमानी के आरोप, सरकार के प्रति कार्यकर्ताओं का संतोष जैसी चिंताओं का जिक्र किया गया। थोड़ा विस्तार से समझते हैं क्या कहा गया। जो सूत्रों के मुताबिक बात आई, संविदा कर्मियों की भर्ती में सामान्य वर्ग को प्राथमिकता मिलने से विपक्ष के आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दों को बल मिला। राजपूतों के, जो राजपूत समाज है, उसने पार्टी से नाराजगी दिखाई, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। संविधान बदलने पर पार्टी नेताओं के बयान, पार्टी का जल्दी टिकट बांटना, 6वें और 7वें चरण में वोटिंग तक कार्यकर्ताओं का जुनून कम कर गया। सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन का मुद्दा हावी रहना, अग्निपथ स्कीम का मुद्दा, अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी, सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष, पिछले 6 साल में लगातार पेपर लीक होना। अब इन मुद्दों को आप समझिए और इनके मुद्दों के आसपास कड़ियां बिड़ाने की कोशिश कीजिए। प्रशासन और अधिकारियों की नाराजगी की जब बात होती है तो इशारा कहां जाता है? अगर अग्निपथ स्कीम की बात हो रही कि उसका नुकसान हुआ तो इशारा कहां जाता है? अगर ये कहा जा रहा है कि जो आरोप अनुप्रिया पटेल ने बीते दिनों चिट्ठी लिखकर लगाया, उस आरोप को जब रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है तो इशारा कहां जाता है? इशारों में खेल फंसा हुआ है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे की वजह बताई गई। पार्टी का मानना है कि निचले स्तर पर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने बीजेपी के कोर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे हैं,
ये अपने आप में बड़े चौंकाने वाली बात है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग सभी सीटों पर 30,000 से 40,000 पार्टी के कोर वोटर के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। एसपी और कांग्रेस को इसका फायदा मिला। अब ये कैसे हुआ, कैसे हटाए गए, ये भी अपने आप में सवाल है और क्या ये बात सत्य है। खैर, ये आज तक के हिमांशु मिश्रा, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनल रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस चुनाव में गैर यादव, ओबीसी यानी कुर्मी, कोरी, शाक, मौर्य, लोध जैसी जातियों का वोट बीजेपी को कम मिला। साथ ही दावा किया गया कि बसपा के जो कोर वोट शेयर है उसमें 10% की कमी आई और 2019 की तुलना में पार्टी को दलितों का एक तिहाई वोट ही मिल पाया। बीएसपी का कोर वोटर जाटव और 2014 से बीजेपी को मिलने वाले खटिक पासी समाज के वोट शेयर में अच्छी खासी कमी आई। इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिला। बीजेपी की रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया कि पार्टी अपनी गलतियों को सुधार ले और आगे फिर इस पर गौर कीजिएगा, आगे सरकारी अधिकारियों, प्रशासन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार होता रहे तो प्रदेश में आगामी 10 सीटों पर उपचुनाव हो और नगर निगम या नगर निकाय या जिला पंचायत या ग्राम पंचायत का चुनाव हो, सभी में पार्टी को फायदा मिलेगा। अब जब भी अधिकारियों के बेलगाम होने का आरोप लगाया जाता है और कार्यकर्ताओं में संतोष बताया जाता है तो इशारा किसकी तरफ किया जाता है? इस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी अपनी कार्यशैली में क्या बदलाव करेगी, या उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ की, उस सरकार की रणनीति में, उस सरकार की नीति में कोई बदलाव आएगा, कोई असर होने वाला है, क्या कुछ पता चलेगा, ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दिल्ली और लखनऊ के बीच दौड़ तो खूब चल रही है और इस दौड़ का क्या कुछ नतीजा निकलेगा या फिर सब कुछ कयासों के बादल में छिप कर रह जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। आपके लिए मेरी साथी प्रगति चौरसिया ने ये रिपोर्ट लिखी थी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।